दर्शनी के रहने वाले गोविंदा कोल के साथ वकील रवि पटेल ने धोखाधड़ी की। टीआई अजय प्रताप सिंह ने बताया कि गोविंदा की शिकायत आई थी उनकी बेटी की सांप काटने से मौत हो गई। शासन की तरफ से उन्हें इस घटना पर 4 लाख रुपए मिले थे, जिसे उनके पास की गांव के रहने वाले वकील रविशंकर पटेल ने धोखाधड़ी करके बैंक से निकाल लिया। वहीं जब गोविंदा की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए रविशंकर से पूछताछ की गई तो उसने कहा कि 2,40,000 रुपए मैं जमा कर देता हूँ, बाकी पैसे मैंने मेरी फीस के काट लिए। टीआई अजय प्रताप सिंह ने कहा कि मामले की जाँच की जाएगी। जबलपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। गोविंद पटेल निवासी दसली टोला मझौली के हैं। इन्होंने एक शिकायत की है हमारे पास कि इनकी बच्ची सर्प काटने से खत्म हो गई थी। उस प्रशासन ने 4 लाख रुपए दिया था। 4 लाख रुपए ये बैंक से निकलवाने गए थे तो इन्हीं के गांव के पास का एक रविशंकर पटेल अधिवक्ता के रूप में इनको मिले और उन्होंने साथ में पनागर लेके आए। पनागर में उनसे बोला कि तुम झोला ले आओ और झोला से हम जो है पैसे रख देंगे, तुम अपने घर लेके चले जाओ। जब तक वो गोविंदा पटेल झोला लेने गया और ये वहाँ से भाग गया, ऐसा ये गोविंदा पटेल का कहना। मामला ये है कि ये गोविंदा कोल है, दर्शनी कॉलोनी निवासी है, जो हमारी पंचायत में आता है। मेरा पुत्र सरपंच है दर्शनी। परसों 10 बजे सुबह इसके यहाँ रविशंकर पटेल धोनी पटोरी थाना मझौली वाले पहुँचे और उन्होंने इससे कहा कि अभिषेक राय तुम्हारे वकील ने बुलाया है तुमको जबलपुर और तुम मेरे साथ चलो, और इसको बिठा करके वो अपनी मोटरसाइकिल में जबलपुर ले आए। और जबलपुर में ला करके इसने बताया कि यूनियन बैंक से इसकी बेटी थी 3 साल की, जिसको नांगिन सर्फ ने काटा था, उसके काटने से उसकी मौत हो गई थी। तो उसको राहत राशि इसके नाम पर 4 लाख रुपये आई थी, जो रविशंकर पटेल इसको ला करके और बोला अभिषेक राय ने तुमको बुलाया है जबलपुर में, और इसका 4 लाख रुपया निकलवाया और निकलवा के 4 लाख रुपये बोला कि ये पैसे तुमको घर में चल के देंगे, और इसको मोटरसाइकिल में अपनी बैठा करके पनांगर तक ले गया।